नमस्कार, मैं हूं पहले चौहान और आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अपराधियों ने किया मुखिया के घर तोड़फोड़। पतरातू प्रखंड अंतर्गत पालू पंचायत के मुखिया गंगाधर महतो की गैर मौजूदगी में अपराधी ने करीब 2 बजे रात को किया तोड़फोड़। इसकी सूचना के बाद पालू पंचायत के ग्रामीणों की उग्र भीड़ ने अपराधी के आवास में की घेराबंदी। पतरातू SDPO वीरेंद्र चौधरी, इंस्पेक्टर लीलेश्वर महतो, पतरातू थाना प्रभारी शशि प्रकाश, भुरकुंडा OP प्रभारी अजित कुमार भारती सशस्त्र बल के साथ पहुंचकर ग्रामीणों को समझाकर मामले को शांत कराए। बताते चले कि अपराधी से पालू पंचायत के कई ग्रामीण परेशान हैं। इस पर पालू पंचायत मुखिया गंगाधर महतो ने घटना के बारे में जानकारी दी कि उन्हें 2 बजे रात को अपराधी फोन कर अपने घर पर आने को कहे, नहीं तो उनके घर पर जाकर बेटे पत्नी सहित उन्हें गोली मारने की धमकी दी गई। वो घर पे मौजूद नहीं थे। अपराधी ने घर पर आकर ताला तोड़कर घर में मौजूद CCTV कैमरे के 3 पेन ड्राइव को ले गए और अलमारी में रखे 75,000 रुपए भी ले गए। फोन पर कई बार गाली गलौज भी किए। वही पतरातू SDPO वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि घटना 2 बजे रात की है। जानकारी मिलने के बाद पालू मुखिया के घर पर जाकर जानकारी ली, वहां पर तोड़फोड़ किया गया। उसके बाद ग्रामीणों द्वारा अपराधी के घर को घेर लिया गया था। पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था कायम किया गया है। उन्होंने बताया कि जांच कर रहे हैं, जो भी उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी करेंगे। घटना यह है कि कल 2 बजे रात में मेरे पास फोन आया, बोला कि मुखिया जी कहाँ है, आप मेरे यहाँ आइए। हम बोले इतना रात है, अब जो भी बात होगा हम कल आके 10 बजे मिलेंगे। कौन फोन किया था? रियाज अंसारी। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम फोन काट दिए। फिर 8-10 बार फोन आया तो लास्ट फोन हम उठा लिए। उसका कहना था कि मादर चोद, तुम अगर नहीं आएगा तो अभी जा रहे हैं तेरा घर, तेरा बीवी को मारेंगे, तेरा बेटा को मारेंगे, और उसके बाद रास्ता में तुम अभी जहां मिलेगा वहां तुमको गोली मारेंगे। और मेरे घर में घुस के ताला तोड़ के CCTV कैमरा लगा हुआ था, उसका पेन ड्राइव 3 था, वो 3 ले गया। उसके बाद CCTV का सेटअप बॉक्स जो भी होता है सिस्टम पूरा नोच के ले गया। पता चला कि 2 बजे रात में रियाज अंसारी नाम का लड़का है, जो अपराधी रहा है और अपराधी है, वो एक गंगाधर महतो मुखिया है, उनके घर में घुस करके तोड़फोड़ करने की कोशिश किया है। तो इसकी जानकारी जब हम लोग को मिली, हम लोग प्रशासन पूरा आ गए हैं और आकर के शांति माहौल किए हैं और अभी FIR करेंगे और उचित जो कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे। वी टाइम न्यूज़ के लिए रामगढ़ से अमित पाठक की रिपोर्ट।